ओ बनाएंगे यू चिकन लबाबदार, ओ बनाएंगे यू चिकन लबाबदार। अरे भैया खाओगे तो बोलोगे क्या बनाया मजेदार, खाओगे तो बोलोगे क्या बनाया मजेदार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चो हसलर्स। जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल में नए आए हैं, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है जी। और हाँ, आप लोगों को थोड़ा चैनल के बारे में बता दूं, हम लोग इस चैनल में ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, फूड व्लॉग्स करते हैं, तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं। भैया हम कोई शेफ नहीं लेकिन ट्राई करते हैं, तो इसलिए जुड़े रहे हैं, बहुत 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 मजा आने वाला है आप लोगों को। तो आज हम बनाएंगे चिकन मसाला जी। आया ना पानी मुंह में। यस, हम बनाएंगे चिकन मसाला एकदम हेल्दी तरीके से, जिसमें हम बहुत ही कम ऑयल या बटर इस्तेमाल करेंगे। तो भैया जितने भी जिम फ्रीक हैं, हेल्थ फ्रीक हैं, डाइट फ्रीक हैं, या अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तैयार हो जाओ, हम बनाएंगे चिकन मसाला। और हाँ भैया, तनिक स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ठीक है? थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, हम इंसान है, मेहनत करते हैं, क्यों काहे नहीं समझते हो तुम है? उसके बाद जो घंटा है उसको भी दबाइए, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए आप लोग ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हो अपने स्वाद अनुसार, सब लोग लेते हैं। मुझे थोड़ा सा कीड़ा लगता है इसलिए मैं लेग पीसेस इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले हमको चिकन को धो लेना है अच्छे से। मैंने इसको ऑलरेडी वॉश कर दिया वीडियो के लिए, आप लोग पहले चिकन को अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है चिकन को थोड़ा सा बीट करना। उसमें क्या बोलते हैं कि अगर चिकन को हम बीट करते हैं तो उसके जूसेस निकलते हैं, वो सॉफ्ट बनता है। यूजुअली उसके लिए भी बीट किया जाता है, बिकॉज जो हम ब्रेस्ट पीसेस लेते हैं तो कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे छोटा, कहीं पे पतला होता है। तो आप जब बीट करते हो तो एकदम प्रॉपर सिमेट्री में आ जाता है, कुकिंग में इक्वल कुक होता है, कोई कच्चा नहीं रह जाता, किसको कच्चा ना। तो इसलिए हम चिकन को लेंगे और पहले ऐसे बीट कर लेंगे। कोई भी चीज़ से आप बीट कर सकते हो, हल्का सा, हल्के हाथ से कीजिएगा भाई, तो चटनी बन जाएगी। ओ भैया चिकन को हमने यूं बीट किया, सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट बनाएंगे एकदम चिकन बढ़िया सा। सो गाइस, हमने बढ़िया सा चिकन को बीट कर दिया है, अब हम इसका तैयार करेंगे मैरिनेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमको चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, कस्तूरी मेथी, लेमन जूस, थोड़ा सा उसको जूस निकाल के डालेंगे, गार्लिक, गार्लिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपको काली मिर्च चाहिए, ऑरिगेनो चाहिए, ग्रीन चटनी चाहिए और दही चाहिए। हम लोग बटर और ऑयल को जो कम यूज़ करने वाले हैं, उसका जो मेन फ्लेवर चिकन का आएगा और जो मेन चिकन जो कुक होगा वो होगा दही, ठीक है? सो इसलिए शुरुआत करते हैं मैरिनेशन का। और हाँ भैया, ये जो एक कटोरिया देख रहे हो ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है तुमको, नमक दानी लो उसमें से डाल देना मैरिनेशन के लिए, तो मम्मी या बीवी से बड़ी पटाई होगी, ये मेरे को होने वाली है बाद में, तो मैंने किया वीडियो के लिए, धोना पड़ेगा खुद, समझे? सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डालेंगे दही। ऑलमोस्ट एक कटोरी दही आपको चाहिए रहेगी मैरिनेशन के लिए। बढ़िया सा दही के लिए थोड़ा जेनरस चाहिए, क्योंकि दही नहीं मेन कुक होने वाला है, हमारा बटर यूज नहीं होने वाला, इसलिए मेन दही में कुक होने वाला है, ठीक है? दही डाल दिए, अब हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डाल दें अपने स्वाद अनुसार, बस, ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, डाल दिया, बड़ा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है एकदम, मस्त अच्छे से मूवमेंट से डाल रहे हैं, ठीक है? हमने डाल दिया धनिया, ए धनिया नहीं सॉरी हल्दी है भैया, हल्दी, गलती कर दी है वीडियो के लिए, कोई बात नहीं, हल्दी डाल दिए। हमने डाल दिया गरम मसाला, नहीं सॉरी किचन किंग मसाला भैया, चलता है? तो हमने पहले डाला नमक, फिर हमने डाला मिर्ची, फिर हमने डाली किचन किंग मसाला, और फिर हमने डाला धनिया, नहीं धनिया फिर धनिया बोलो, हल्दी भैया, हल्दी, हल्दी, किचन किंग मसाला, नमक और मिर्ची, ये चार चीजें डाले हैं अभी तक, ठीक है? अब हम डालेंगे थोड़ी काली मिर्च, ठीक है? काली मिर्च डाल दिया, अब हमारा क्या रह गया, अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, ये हमने डाल दिया कस्तूरी मेथी, है क्या कलर आ रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ी और डालते चलो कस्तूरी, ठीक है? ये हमने डाल दिया ऑरिगैनो, बस बढ़िया सा जो नक्शा लगे अच्छा बनाते रहो भैया।
धनिया, ये जो पहले डाले थे ओरिगेनो नहीं था, धनिया पाउडर था, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया ओरिगेनो, ये ओरिगेनो डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट, ये है लहसुन, लहसुन पेस्ट। यार गार्लिक पेस्ट का इतना बड़ा स्वाद आता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लहसुन पेस्ट, ठीक है। चम्मच आ गया पीछे, बीवी चम्मच दे रही है, बढ़िया सा मेरा भूल जाता है, कई बार पहली बार वीडियो बना रहे हैं। मैंने डाल दिया लहसुन पेस्ट, तनिक लहसुन पेस्ट थोड़ा और दीजिए, दीजिए काय शर्मा आते। लहसुन हो गया मेरा रिफिल, ठीक है। एक कटोरी पहले डाल चुकी छोटी वाली, मतलब एक चम्मच जितना, अब इसको डेढ़ चम्मच जितने के आसपास अब लहसुन पेस्ट डाल दिया, ठीक है। लहसुन पेस्ट में डाल दिया है, और हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, ये ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी मिल लिया, एक चम्मच बड़ा, दो चम्मच बड़ा, थोड़ा सा और डाल दिया, ठीक है। हमने डाल दी ग्रीन चटनी। अब हम लेंगे लेमन, नींबू निचोड़ने वाला दे दीजिए थोड़ा सा, हनी हमारी बीवी हमारी बड़ी हेल्प कर। ठीक है, अभी नींबू निचोड़ दिए हैं, अब मेरी जो मिक्सचर है इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। आपको एप्रन पहनना पहने, हम तो नहीं पहनते भाई, हम देसी आदमी हैं, हम एप्रन एप्रन नहीं पहनते। बढ़िया से उसको मिक्स करें, इसको थोड़ा सा आप ब्लेंडर भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जितनी स्मूथ ग्रेवी होगी आपको बढ़िया लगेगा। इसको आप ऐसे कर लें, स्वाद तो बढ़िया लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सा ना नमक थोड़ा और डाल देते हैं, स्वाद बढ़िया लग रहा है, हल्का नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी लिख देंगे, आप पढ़ लीजिए, हम बढ़िया सा तो टेंशन मत लोगे भाई, छूट गई रेसिपी, क्या डाला क्या नहीं डाला, रिवाइंड करके देख सकते हो, रेसिपी पढ़ लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे सब्सक्राइब बटन है तो दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा तनिक प्रोत्साहन दीजिए हमें भाई। मजा आ गया, मैरिनेशन जितना अच्छा होगा ना उतना स्वाद आता है, और कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है। So, इस मैरिनेशन में हम लोग मिक्स कर देंगे चिकन को, हम वीडियो के लिए तो इसको चम्मच से मिक्स करें, ठीक, वैसे हाथ से मिक्स करो, सबसे बेस्ट मिक्स होता है। दही थोड़ा ज्यादा लिया है, लेकिन हमको जितनी यूज करनी है उतना कर सकते हैं, बाकी दही नेक्स्ट मैरिनेशन में यूज कर सकते हो, पनीर वनीर डाल के बना सकते हो, कोई भी वेजीज डाल के उसको वापस उसी के साथ फ्राई कर सकते हैं। अब हम इस मैरिनेशन को रख देंगे फ्रिज में, अब आप फ्रिज में एक घंटा रख सकते हो मिनिमम, लेकिन जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। हम लोग वीडियो के लिए एक डेढ़ घंटे डेढ़ घंटा रखने वाले हैं, लेकिन आप उसको तीन चार पाँच घंटे रखो, सुबह बना के रख दो तो शाम को कुक करो तो बहुत बढ़िया स्वाद आएगा, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेशन पे वो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज से निकालने के बाद डेढ़ घंटे बाद हम लोग उसको कुक करेंगे। बाय, तो गाइस अब हम बनाएंगे चिकन मसाला, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, हमने मैरिनेशन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर, भाई इतना बटर बहुत है चिकन के लिए। बटर सिर्फ पैन ग्रीसिंग के लिए और हल्का सा कुकिंग के लिए काम आएगा, मोस्टली ऐसे बटर की जरूरत नहीं रहती। ये हो गया बटर हमारा बढ़िया सा मेल्ट, ठीक है। अब बनाएंगे हम चिकन मसाला, और इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस जो भी है हमारे, सिम पे रखिए गैस को, गैस को बिल्कुल भी तेज फ्लेम पे रखने की हमको जरूरत नहीं है। अब इसको हम कर देंगे
मीडियम फ्लेम के करके, इसको मीडियम फ्लेम पे करके, सिम पे करके इसको ढक दीजिए। अब ये 10 से 15 मिनट बाद हम इसको पलटाएंगे, ठीक है? ओके, मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। सो गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए, हाय हाय हाय, क्या शक्ल आ रही है, एकदम बढ़िया सी। अब इसका टाइम आ गया पलटाने का, ठीक है? अब हम इसको पलटा देते हैं। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैरिनेट किया उसको, एक चम्मच बटर डाला और कुक करके रख दिया, बस मैं बढ़िया सा पानी पूरी खा के आया हूँ। टाइम पास क्या करे, 15 मिनट है, मस्त तुम सिम पे रखो और चालू हो जाओ अपना, बाकी सब काम निपटा लो, टीवी देख लो, खेल लो, पानी पूरी गाल लो, कुछ भी जो करना है करो भाई, कर लो। अब इसको हमने पलटा दिया है, अब इसको हम वापस ढक देंगे, ठीक है? ये हमने ढक दिया। सो भाई, जब इसको पलटाने के बाद और ढकने के बाद और 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे प्रॉपर बनने में, फिर हम इसको चेक करेंगे चिकन कुक हुआ है कि नहीं, ठीक है? तब तक मजे करो। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको चेक किया, कितनी प्यारी सी शक्ल आई है। देखिए, ये ऑयल जो छोड़ा है एकदम दही का ऑयल है, इसी में कुक हो जाता है, इसलिए हम बटर इसमें बहुत कम यूज़ करते हैं, बटर भी ऑयल भी एकदम कम यूज़ होता है, कितनी मस्त शक्ल आई है इसकी। अब हम इसको चेक करेंगे ये प्रॉपर कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, आप लोग कुकिंग थर्मोमीटर से भी चेक कर सकते हो कि कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग देसी तरीके से चेक करेंगे कि भाई चिकन कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो कितना प्यार से आराम से अलग हो गया और ये कितना वाइट है, देखो चिकन अंदर से पूरा वाइट है, ये प्रॉपर चिकन वाइट है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा चिकन कंप्लीट। क्या चिकन रेडी हो गया। अब हम इसके गार्निश के लिए हल्की सी इसमें धनिया डालेंगे, ये देखिए गाइस, ये हमारा चिकन तैयार हो गया, कितना प्यारी शक्ल आई है, मजा आ जाएगा, एकदम कम तेल कम ऑयल में बना है, एकदम हेल्दी चिकन। सो आप लोग भी ट्राई करिए मसालेदार चिकन, एकदम इजी है रेसिपी। सो गाइस, ये हमारा चिकन रेडी हो गया, हम इसको ट्राई करते हैं बढ़िया सा, क्योंकि तो आसानी से टूट जा रही है। वाह भैया, मजा आ गया, ठीक है? आप लोग भी ट्राई करें ये रेसिपी, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छी है। देखो हमारे चैनल पे हम लोग क्या झूठ मूठ का नहीं करेंगे, स्वाद लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो बोल देंगे आपको, भाई अच्छा नहीं बना, आप अगली बार ट्राई करना। बट ये बड़ा कमाल बना है, बहुत ईजी रेसिपी है, सिर्फ मैरिनेट करना है, पैन में डालना है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रेसिपी डाल देंगे, तो प्लीज़ इसको बनाएं और ज़रूर हमको टैग करें, फोटोज़ भेजें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें आप लोगों को कैसे लगा। तब तक मैं अपना चिकन एंजॉय करता हूँ। टिल देन गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई चीज़ ट्राई करेंगे। तब तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।